आज के इस वीडियो में आप एक छोटे से बालक का वक्तव्य सुनेंगे जो बागेश्वर महाराज की कथा में, वहाँ पर नरसिंहगढ़ में जो कथा चल रही है बागेश्वर बाबा की, वहाँ पर वीर शिवाजी बाल सेना का एक छोटा सा बालक वहाँ पर पहुँचा तो महाराज जी ने उसे अपना वक्तव्य पेश करने की इजाज़त दी हिंदुत्व के बारे में। तो उसने अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें बोली कि सुनने वाले भी हैरान रह जाएंगे। तो आप इस छोटे से बालक की बातें सुने। जब औरंगजेब ने हम पर कितना अत्याचार किया था तो उन्हें धूल चटाने के लिए शिवाजी कैसे आए थे और मुगलों का अत्याचार को उन्होंने सहन नहीं किया और उन्हें मिट्टी में मिला दिया था शिवाजी ने। तो इस बालक का कितना सुंदर वक्तव्य था और उसने कश्मीरी पंडितों के बारे में भी बहुत अच्छे बातें कही हैं इस बालक ने कि वो 7 लाख थे, अगर 7 लाख में कुछ भी हथियार उठा लेते तो नज़ारा देखने लायक होता। तो हम पर इन आतताइयों ने कितने जुल्म किए थे, अगर सनातन अब भी सनातनी कोई नहीं जागा तो आगे भी ऐसा हो सकता है। तो इस बालक की जो ये कविता है तो बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली हैं और इतनी छोटी सी उम्र में कविताओं के जरिए इन्होंने कितनी बड़ी मिसाल पेश की है कि सनातन को जगाने के लिए इन्होंने एक वीर शिवाजी सेना का भी गठन किया है। उसमें वह अपने जैसे छोटे छोटे बालकों को सनातन के बारे में बताते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।